नाभा दे विच इक पति पत्नी दा कलेश इस कदर वध गया कि कल पत्नी दे वल्लों यानी घर दी नूह दे वल्लों अपने ही घर दे दरवाजे सब्बल दे नाल भन दित्ते गए, जिस दीआं सीसीटीवी तस्वीरां भी सामने आईआं ने। दोहां धिरां दे विचाले दस्सिया जा रिहा कि पहला समझौता भी हो गया सी, लेकिन बावजूद इस दे इक कलेश रुकण दा नाम नहीं लै रिहा ते कल होर ज़्यादा उदों वध गया जदों जो पत्नी है घर दी नूह है वह आ के सब्बल दे नाल घर दे दरवाजे भन्नण लग गई। पूरा मामला की वह भी तुहानूं समझावांगे, दोहां धिरां दा की इल्जाम है, किस गल करके लड़ाई हो रही है वह भी तुहानूं दस्सांगे। पर पहला जरा यह सीसीटीवी तस्वीरां देख लो जिस दे विच पत्नी दे वल्लों घर दे दरवाजे भन्ने जा रहे ने। देखिए कि किमें एक महिला सीसीटीवी तस्वीरों से दिखाई दे रही है कि पहला जा रही है, फिर कितों सब्बल लैके गली दे विच एंटर हुंदी है ते फिर घर दे दरवाजे भन्नण दी जो ठक ठक दी आवाज़ वह भी साफ सुनाई दे रही है। कोल कोई गुआंढ दे विच खिड़की तो शायद उन्हें देख भी रहा है जो खिड़की बंद कर लेंदे ने बाद दे विच। ते ए तस्वीरां नाभा दे एक पिंड दीआं ने जिथे ये पूरी घटना वापरी है। नूह दे वल्लों जो दरवाजे भन्ने गए ने जो पिंड है नाभा दा उत्थे दीआं इह तस्वीरां ने। गुरजंट सिंह ते उन्हां दी पत्नी सरबजीत कौर दा इह पूरा विवाद है। अजनौला खुरद पिंड दा नाम है जिथे दी इह पूरी घटना है। जो इस लेडी दा जो पति है उहदा कहना है कि पत्नी दे नजायज़ संबंध ने जिहदे चलदे उहनां दा डिवोर्स केस भी चल रहा है। तो जो समझौता होया सी उहदे मुताबक दोहां धिरां ने घर नूं अद्धा अद्धा वंड लिया, लेकिन उसकी पत्नी इस समझौते दे नूं मन्नण लई तैयार नहीं है। तो उसके वल्लों लगातार कलेश किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। तो वह दिखावे दे वास्ते पिंड दे गुरद्वारे दे विच अपनी बच्ची दे नाल रह रही है। पति दे मुताबक पत्नी दे नजायज़ संबंध ने किसी दे नाल जिसते चलते वह इकट्ठे नहीं रहना चाहते, लेकिन जो समझौता होया उन्हें मनने लिए तैयार हो गए सके, लेकिन उन्होंने पत्नी यह समझौता नहीं मन रही जिदे चलते ही हूँ वह होर दहशत में आ गए जो उन्होंने घर के दरवाजे इस तरीके भन्ने गए तो हूँ इंसाफ चाहते ने। ये मेरा दरवाजा ही सरबजीत ने भन्ने जी, वाइफ आई मेरी वाइफ ने भन्ने जी। मैं वूमेन सैल चो चार पाँच वाली मैं फैसले करके ही ले आया जी उतो ही, उदू बाद बसी नहीं है बिल्कुल भी। उदू बाद मैनू सरपंच बारे पता लगे कि इन्हों की मतलब संबंध नहीं जी आपस नजायज़ संबंध नहीं जी, ठीक नहीं जी। उदू बाद फिर मैं डिवोर्स का केस पाया जी। डिवोर्स का केस नू जी हो गए 2 साल हो गए पाए जी, पटियाले चल रहा केस जी। हीरिंग नहीं बिल्कुल नहीं हुई जी। हाँ जी हाँ, इन्होंने पंचायत वाले ने मैं कितने 5-6 महीने हो गए जी मैं बाहर से घर तो जी। इन्होंने 15 बंदे घर के अंदर इतने बाड़ गई मेरा बार तोड़ के अंदर बैठा गई, धक्के बैठा गई, डंडे डुंडे हाथ से दी। मैंने मेरे को फोन गया जी पटियाले, कहते डंडे डुंडे लैके 15-20 बंदे बने, कहते तेरा दरवाजा तोड़ के अंदर बैठा गई। कोर्ट च केस पाए दो साल हो गए चलते हैं। पेशी पेशी तो मैं जाना जी, ये तो गई नहीं, एक बार भी नहीं गई है। समण भी हाँ जी भेजे से इन्होंने को, मैं भी भेजी सी समण जी। तो तुम सुनिया कि गुरजंट सिंह का कहना है कि किवें पूरा विवाद शुरू होया, गल थाने तक भी पहुंची, डिवोर्स केस भी चल रहा, लेकिन मामला हल नहीं हो रहा। उधर जो पत्नी है वह दस्या जा रहा है कि पिंड के गुरद्वारे दे विच अपनी छोटी बच्ची दे नाल रहिंदी है। पत्नी का कहना है कि वह उल्टा इल्जाम लगा रही है, जो उन्होंने उपर नजायज़ संबंधा के इल्जाम लगे ने उसनू पत्नी सरबजीत कौर ने नकारिया, तो नाल ही उल्टा इल्जाम अपने पति के उपर लगाया कि उन्होंने किते बाहर संबंध ने जिदे चलते घर वस नहीं रहा। तो हुण जो उन्होंने समझौते के तहत जिनी जगह दी गई है उहदे विच उन्हां दा गुजारा ही नहीं हुंदा, अपनी बच्ची के नाल उह किवें थोड़ी जगह के विच रहण। पत्नी उल्टा इल्जाम पति के उपर लगा रही है, तो होर की कुछ कह रही है वह भी सुन लो। मैं मांग करती हाँ सर, जो मैनू मेरे अलग रहन लई इन्होंने घर दिता उत्थे मैं क्यों नहीं रह सकती, उत्थों मैनू क्यों कढ़िया गया। डेढ़ कमरे विच तां मेरा 3 रूम का समान डेढ़ कमरे च कित्थों आजूगा। तुहाडे हस्बैंड कित्थे रहणगे?
हसबैंड नाल रहन उन्हां नूं एक कमरा दिता जा रहा सी ऑलरेडी वो सिंगल परसन आ मैं अपनी बेटी की स्टडी भी देखनी है मैनूं किचन की भी लोड़ है मैनूं वाशरूम की लोड़ है मैनूं दो कमरे च मेरा समान नहीं एडजस्ट हो रहा मेरे ते मेरा कोई नजायज संबंध नहीं तुसी मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो मैं फैमिली बुला सकती हाँ हर चीज़ देख सकते हो मैनू किसी का डर नहीं मैं बिल्कुल उन्नी ही कोरी करा रही हाँ मेरा किसी ना कोई संबंध नहीं साफ जो साडे मौजूदा सरपंच ने ये मेरे ब्रदर ने ये ब्रदर के तौर पर मेरी हेल्प करते हैं सरपंची के तौर पर मेरी हेल्प करते हैं देखो सर मेरी गल सुनो जो एक लेडीज़ कल्ली रह जाती है जिन्हों अपने पिंड तो बाहर निकल के ऑटो कितों फड़ना किधर नू जाना जिस लेडीज़ नू बिल्कुल नहीं पता उसनू किसी की सपोर्ट की जरूर लोड़ होंगी है सब्बल का तुम देख लिया कि सब्बल मार दे सिर्फ सब्बल दिखाई है ना थोनू मैं मारी है बिल्कुल मारी है मैं मारूंगी मेरा हक है उत्थे मैं मारूंगी मेरी बेटी दर दर रोल रही है मैं उत्थे सब्बला मारूंगी गेट भन्नूंगी सब कुछ करूंगी मेरा पूरा हक आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਲਟੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੇਢ ਕਮਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦਰਜ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਅਜਨੌਲਾ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਲਓ ਘਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਓ ਡੇਢ ਡੇਢ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੇਢ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ We'll be right back.
ਜਿਹੜੇ